अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास क्यूब जुमा। इट इज़ अ वेरी स्मॉल क्लास ऑफ फाइलम नाइडेरिया और इट इज़ अ फोर्थ क्लास ऑफ फाइलम नाइडेरिया। इनको क्यूबोजोन्स इनकी शेप की वजह से कहा जाता है, क्योंकि इनकी शेप जो है वो क्यूब की तरह होती है, क्यूब शेप्ड हैं, तो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड द क्यूबोजोन्स। इनको सबसे पहले एक ऑर्डर में प्लेस किया गया था इन द क्लास साइफोजोआ। उसके बाद क्योंकि साइफोजोन्स की और इनकी जो शेप है वो बहुत ही एक दूसरे के साथ वेरी करती है, बहुत ही वेरी करती है, तो फिर इनको सेपरेटली क्लास में प्लेस कर दिया गया था क्लास क्यूबोजोआ में। इनकी बॉडी फॉर्म्स की बात करें तो मेड्यूसा जो है वो इनमें डोमिनेंट आप कह सकते हैं होती है, और पॉलिप की बात करें तो पॉलिप जो है ये बहुत ही स्मॉल होते हैं या फिर कुछ स्पीशीज़ में पॉलिप्स होते ही नहीं हैं। इनकी शेप जो है वो मेड्यूसा की शेप क्योंकि डोमिनेंट है, तो जो मेड्यूसा की शेप होती है वो एक क्यूब की तरह होती है, और इनमें टेंटिकल्स जो हैं उसके कॉर्नर से हैंग कर रहे होते हैं। उसके बाद इनमें जो क्यूबोजोन्स जो हैं ये बहुत ही एक्टिवली स्विम करते हैं, और उसके अलावा फीडिंग भी बहुत एक्टिवली करते हैं इन वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स। इनके पास बहुत ही डेंजरस नेमेटोसिस्ट्स होते हैं, और नेमेटोसिस्ट जो है इनके पास स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जिसके थ्रू जो है ये डिफरेंट एनिमल्स को और उसके अलावा ह्यूमंस को स्टिंग कर सकते हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, एंड दे आर वेरी डेंजरस। इस एनिमल जो कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है ये एक क्यूबोजोन है, और इसका नाम है सी वैस्प, और इसको इसका साइंटिफिक नेम है काइरोनेक्स फ्लैक्री। और इसको जो है आप देख सकते हैं कि इसकी शेप जो है वो एक क्यूब शेप्ड है, और इसके अलावा इसके कॉर्नर से जो टेंटिकल्स हैं वो हैंग कर रहे होते हैं। अब इसमें एक और चीज़ के टेंटिकल्स जो हैं वो डायरेक्ट इनकी बॉडी से हैंग नहीं कर रहे होते, बल्कि एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो है इनकी बॉडी के साथ लगा हुआ होता है जिसके थ्रू नीचे भी टेंटिकल्स जो हैं वो हैंग कर रहे होते हैं। और इनके नेमेटोसिस्ट जो होते हैं ये बहुत ही डेंजरस होते हैं, और अगर हम बात करें ना जो है पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर विच इज़ कंसीडर्ड एज अ डेंजरस नाइडेरियन और बहुत ही डेंजरस हो सकता है फॉर स्विमर्स और फॉर ह्यूमंस, तो वो जो है उससे भी ज़्यादा ये डेथ काज करता है थ्रू देयर डेंजरस स्टिंगिंग सेल्स।